छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। इसमें लिखा है कि कोई जेट वायुयान है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? तो ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यदि पढ़ने से भी समझ में नहीं आया है तो हम इसमें चित्र की हेल्प ले लेते हैं। इसमें एक मैंने कुछ जेट वायुयान बनाया है, जो ऐसे थोड़ा केवल समझने के लिए है। तो जेट वायुयान ये है, और ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी रफ्तार जो दी गई है वो है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा ध्यान से आपको समझना है तो ये आराम से ये हो जाएगा सॉल्व। ये आगे की ओर चल रहा है और जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जेट यान के सापेक्ष यानी कि जो ये दहन उत्पाद हैं ये बाहर की ओर निकल रहे हैं, जो कि है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये दो बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन से ही इतना तो हमें पता चल जाता है कि जेट वायुयान आगे की ओर चल रहा है और दहन उत्पाद पीछे की ओर जो निकल रहे हैं उनकी चाल इतनी और इतनी है। अब जमीन पर खड़े प्रेक्षक, मान के चलिए यहाँ पे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई जमीन, यहाँ पे कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी होता है देखने वाला, तो प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या ज्ञात करना है। जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि चाल तो हमें इसकी ज्ञात करनी है। अब आप सोच रहे होगे कि चाल तो हमें दी गई है तो ज्ञात क्या क्यों करना है, चाल तो डायरेक्ट लिखा है 1500 किलोमीटर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चाल जेट यान के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? जेट यान के सापेक्ष। लेकिन पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष चाल कुछ और होगी, तो वो क्या होगी? बस ये घटा देना है इसमें से, जेट यान की जो चाल है वो घटा देना है। तो फिर किसकी आ जाएगी? तो प्रेक्षक के सापेक्ष इस दहन उत्पादों की चाल आ जाएगी। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है जेट यान, जेट वायुयान की चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको लिख लेते हैं। जेट वायुयान की चाल हमने लिखी और ये किलोमीटर पर आवर लिखा है, चाहे हिंदी में लिख लें चाहे इंग्लिश में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साथ में दहन उत्पादों की चाल भी लिख लेते हैं। तो निकलने वाले उत्पादों की चाल हमें दी गई है 1500 किलोमीटर पर आवर, ये हमने दोनों चीजें लिख ली। इसलिए पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष तो चाल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष चाल, तो यहाँ पे हम चूंकि चिन्ह समेत लेना है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक वो V1 - V2 होता है। यानी कि इसे अगर हम V1 लें और इसे हम V2 लें तो V1 - V2 ही करना है आपको डायरेक्ट। इसमें से इसको नहीं घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, भले ही माइनस आ जाए। तो 500 - 1500, अब ये जो आएगा -1000 आ जाएगा। कितना आएगा? -1000। फॉर्मूला आपको ध्यान ही रखना है, V1 - V2 ये पृथ्वी के सापेक्ष के लिए है, तो इस आधार पर आप करोगे तो -1000 आएगा। तो यहाँ पे -1000 में माइनस जो चिन्ह है ये केवल दिशा बताता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऋण चिन्ह। यह बताता है कि जेट वायुयान की दिशा निकलने वाले उत्पाद की चाल या निकलने वाले उत्पाद की दिशा के विपरीत है, तो ये ऋण चिन्ह के लिए लिख देना है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, V1 - V2। थैंक यू।